दर्शकों, आज मैं हर्षा गुंटला बेल्जो टीवी की तरफ से आपके सामने एक बहुत पुरानी सीनियर अदाकारा जो रंगभूमि में काफी सालों तक काम कर चुकी है, जिनका नाम है पूर्णिमा मुनसफ, उनको लेकर हाजिर हुई हूँ। आज वो अपना एक बहुत खास अनुभव और कुछ अनुभव का ज्ञान आपके सामने पेश करेगी, तो देखते हैं पूर्णिमा मुनसफ क्या कहना चाहती है। पूर्णिमा जी, बताइए हमारे दर्शकों को। नमस्कार। नमस्कार। आज 5 मई है, आज मेरा जन्मदिन है। हाँ, आपको बधाई हो जन्मदिन की। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू, थैंक यू। आज दिव्यांग बच्चों के लिए उनके पेरेंट्स को मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ। हाँ। क्योंकि मेरी बच्ची दिव्यांग है। ओ। कांदीवली की सदा फूली स्कूल में वो पढ़ती है। हाँ। और पढ़ने में बहुत आगे बढ़ चुकी है। हाँ। इसलिए कि वो कार्यशाला में काम करती है। तो दर्शकों, मैं कहना चाहूंगी कि दिव्यांग होते हुए उनकी मम्मी कह रही है कि बहुत आगे निकल चुकी है, तो देखते हैं कि पूर्णिमा जी का क्या अनुभव है उस स्कूल के बारे में। बोलिए। स्कूल इतनी अच्छी है कि वहाँ इतनी बड़ी कार्यशाला है कि वहाँ हर तरह की वस्तुएं बनाई जाती है। हाँ। और टीचर और दूसरी औरतों से सिखाई जाती है। हाँ। ये बच्चे इतनी लगन से, इतने प्रेम से, इतनी मेहनत से सीखते हैं। अच्छा, तो सीखने के बाद वो चीजें भी बनाते हैं। जी। तो चीजों में फॉर एग्जांपल क्या, चेयर्स है, टोकरियां है, नहीं, वो क्या चीज बनती है? प्लास्टिक की बैग है। हाँ। कपड़े की बैग है। ओ। पेपर की बैग है। फिनाइल है। ओहो। फिर कपड़े के फूल है। वाह। कागज के फूल है। तो सच में उनको दिमाग यूज करना पड़ता होगा बच्चों को, और बहुत मेहनत भी काम करनी पड़ती है। हाँ। और ब्लैक बोर्ड के डस्टर बनाते हैं। ओ। और घर में जो चीजें वपराश में आती है वो सब बनाते हैं बच्चे। अच्छा, मैं पूछना चाहूंगी दर्शकों आपकी ओर से भी कि ये जो सारी चीजें बनती है वो मार्केट में बेची जाती है कि? जी जी। नहीं नहीं, वो तो इतनी सारी वस्तुएं बनाते हैं, फ्लावर पॉट, फूले, फूलदानी, फिर वो बेची जाती है। हाँ जी, मार्केट में बहुत बिक्री होती है इनकी, और इनकी बिक्री से जो पैसे मिलते हैं जी, वो इनकी स्कूल में सब बच्चों में बराबर बराबर बांटते हैं, मान धन देते हैं इनको। दर्शकों, आपने सुना, पूर्णिमा जी कर रही है कि दिव्यांग बच्चों ने जो चीजें बनाई है उन चीजों को मार्केट में बेचा जाता है, और आए हुए पैसों का कुछ हिस्सा उन बच्चों को भी दिया जाता है, मानधन दिया जाता है। बहुत अच्छी स्कूल है। हाँ। जिससे बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो सके, प्रेम से, इज्जत से, और अपनी जिंदगी जी सके। आत्मविश्वास बहुत बढ़ता होगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा, सब में उनका मान सम्मान बढ़ेगा। सच्ची बात है। और सबके साथ वो रह के चल सकते हैं समाज में, आगे बढ़ सकते हैं। बहुत विकास विकास होगा। यस जी जी, बहुत अच्छी तरह सिखाया जाता है। आप वापस उस स्कूल का नाम जरा अच्छे से लेके दीजिए दर्शकों को। कांदीवली वेस्ट में स्विमिंग पूल के पास सदा फूली स्कूल है। वहाँ बहुत बड़ी कार्यशाला है, वहाँ मेरी बच्ची पढ़ती है। मैं बच्चों के पेरेंट्स से इतना ही कहना चाहती हूँ जी कि बच्चे को खाली प्रेम की जरूरत है, और उन बच्चों को कुछ नहीं चाहिए, निर्दोष प्रेम चाहिए बच्चों को। ऐसे बच्चे जो भगवान भी उनको बहुत चाहते हैं, भगवान हर जगह पहुंच नहीं सकता, इसलिए भगवान ने माँ को बनाया, और ऐसे दिव्यांग बच्चे हमारी झोली में डाले हैं। तो मैं पेरेंट्स से कहती हूँ कि प्रेम से बच्चों के साथ व्यवहार कीजिए, उनको आगे बढ़ाइए,
उनका बौद्धिक विकास बढ़ाने में मदद कीजिए, उनको प्रेम से रखिए, उनका धिक्कार मत कीजिए, उनको निर्दोष प्रेम दीजिए। और मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जब तक सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो दर्शकों, इसी प्रकार की सच्ची और अच्छी स्टोरीज नहीं हकीकत जानने और सुनने के लिए हमेशा बेल्जो टीवी ऑन कीजिए। और बेल्जो टीवी ऑन करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए और बेल्जो टीवी की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। बस देखते रहिए सच्चे और अच्छे किस्से।